हाँ जी बच्चों, हमारी जो पहली टर्म है वो है प्रोप्राइटर या ओनर भी इसको बोलते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। लिखा है, अ पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस इज कॉल्ड इट्स प्रोप्राइटर। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन टू द बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। हाँ जी बच्चों, इसका मतलब क्या है? वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट होने पर उसको खुशी होती है, लॉस होने पर उसको दुख होता है। जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसी को ही हम बिजनेस का ओनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं। नीचे देखो मैंने की वर्ड्स लिखे हैं। की वर्ड्स का मतलब ओनर में ये फीचर्स होनी ज़रूरी हैं। तीन की वर्ड्स हैं इसके। पहला है ओन्स, वो बिजनेस को ओन करे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, वो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करे। तीसरा है रिस्क, रिस्क जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रिस्क का मतलब क्या है कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उस पर उसका राइट होएगा और लॉसेस को भी वो ही बियर करेगा। तो जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी उसी को ही हम ओनर या प्रोप्राइटर बोलेंगे।